गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 11:30 का टाइम हो रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने शावर लिया था, मैंने हेड वॉश भी कर लिया है। मेरे हेयर पे ना 2 दिन बाद तुरंत ऑयल आ जाता है इस वजह से, और फिर जब ऑयल आ जाता है तो आपके हेयर बहुत ज्यादा चिपकू चिपकू लगते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और आज मैं बनाने वाली हूँ पालक पनीर हेल्दी। और आज ही मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी, मैं सोच रही थी कि यार कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना बाहर, और आज ही मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, क्योंकि हल्की हल्की सी रात मुझे लग रहा है बारिश हुई है। मैं तो सोच रही थी, मुझे याद नहीं है, पर बिजली कड़कने की आवाज़ आई थी तो ऑब्वियसली बारिश हो रही होगी, और हमारी गाड़ी जो है ना वो भी गंदी हो गई है। और बाहर का मौसम आपको मैं दिखाती हूँ, अब ऐसे ही मौसम रहे, क्योंकि बारिश का टाइम स्टार्ट हो जाता है ना तो मौसम अच्छा हो जाता है। ये देखो, धूप बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है और हवा चल रही है ठंडी ठंडी सी, ऊपर बादल एकदम नीले नीले बादल। और मेरी टी शर्ट देखी, मैं पहले पहना करती थी टी शर्ट, और अभी ये कैसी होने लगी है मैं मोटी लग रही लगी बहुत ज़्यादा इसमें। और ये जो पीछे वाली वॉश है ना, इस पर बिल्कुल मत जाइएगा क्योंकि ये ख़राब है। मैंने ना कुछ इस तरीके से ऐसे करके ना फोटोज़ वगैरह भी क्लिक करी हुई है, जैसे कि 3 मंथ का क्लिक करते हैं, 6 मंथ भी क्लिक करते हैं, तैसे मेरे पास में है। तो मैं आपको सब में कोलाज शेयर करूंगी जब पूरे मंथ्स हो जाएंगे उसके बाद में। यहाँ पर मैंने पालक बॉईल करने के लिए रख दी है थोड़ा सा पानी डाल के। मैंने कॉमना वॉश कर लिया है, क्योंकि इसमें भी कभी मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, धोखे से ये भी कई बार इसको यूज़ कर लेते हैं ना, तो फिर वो एक बार ऑयल आ जाता है ना, तो अगर आपके ड्राई हेयर्स हैं और आपने हेड वॉश भी करा हुआ है फिर भी ऑयल आ ही जाता है, तो इस वजह से मैंने अच्छे तरीके से उसको वॉश कर लिया। मैंने उनसे बोला है कि आप प्लीज़ उसको मत टच करना नहीं करोगे ना? ओके। किचन में खड़ा है इतनी देर से और जाने का नाम नहीं ले रहा है, किचन के अंदर कोई जा नहीं पाए, ऐसे खड़ा हो जाता है ये तो मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ दादी माँ के लिए। चाय की पत्ती, हमारे सब लोग बहुत ज्यादा मीठी चाय पीते हैं, स्पेशली मेरी मदर इन लॉ चाय पीती है मीठी, पापा भी बहुत मीठी चाय पीते हैं, सबको आदत है बहुत मीठी चाय पीने की। और आज घर पर ही है मेरे साथ में, आवाज आ रही होगी। और मुझे पालक पनीर भी बनाना है, पर फिलहाल मैं चाय बना के दे देती हूँ, उसके बाद में मैं पालक पनीर रेडी करूंगी। यहाँ पे मैं पनीर कट कर लेती हूँ, पनीर कट कर लेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे लहसुन लिया हुआ है मैंने, ग्रीन चिली ली हुई है, 2 अनियन ली हुई है, एक टमाटर लिया है। तो इन सारी चीजों को भी ना मैं अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूंगी, प्यूरी बना लूंगी, मतलब प्यूरी क्या, अच्छे से ग्रेट कर लूंगी, और फिर मैं उसमें पालक पनीर डालूंगी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कोई कोई पालक पनीर बहुत सिंपल बनाता है सिर्फ जीरे से, पर मुझे ऐसा लगता है अदरक लहसुन वगैरह डाल के बनाओ तो अच्छा लगता है। आज का ये जो मेरा वीडियो है, ये मेरा 5 मंथ प्रेगनेंसी रूटीन वीडियो है, तो मैं इस तरीके से कुछ ना कुछ हेल्दी लेने की कोशिश करती हूँ। तो मैं आफ्टरनून के टाइम पे पालक पनीर और चपाती खाऊंगी। चाय हमारी बन चुकी है, रेडी है, और जितनी मैं क्वांटिटी बनाती हूँ मुझे पता होता है उतनी क्वांटिटी बनती है ना, वेस्ट होगी ना एक्स्ट्रा बनेगी मिक्सी निकाल देते हैं। तो हमारी पालक जो है बॉईल हो चुकी है, तो हम प्लेट में इसको निकाल लेते हैं, ठंडी होने के लिए रख देंगे, उसके बाद में हम इसको मिक्सर में ग्राइंड कर पाएंगे। पापा के लिए बनानी है लौकी की सब्जी, हम सब खाएंगे पालक पनीर। वैसे मैं भी लौकी खा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि तो वो फायदा करती है, ग्रीन वेजिटेबल में आती है, जिस वजह से लौकी हो गई, तोरई हो गई, मैं खा लेती हूँ। अच्छा, जो पानी ना वेस्ट नहीं करना होता है, जब आपकी ग्रेवी बन जाए उसमें आप ही पानी ऐड कर सकते हो। तो ये मशीन है, इसमें हम ग्राइंड करेंगे सारी चीजें, अच्छे तरीके से ग्रेट होती है, मतलब छोटी छोटी सी चॉप हो जाती है, इसमें ओनियन गार्लिक ग्रीन चिली ये सारी चीजें हम इसमें ऐड कर देंगे, अच्छी तरीके से छोटा छोटा सा चॉप हो गया है। तो इसमें हम जीरा ऐड कर देंगे, और साथ ही साथ यहाँ के जो हमने ग्रेट करके सारी चीजें रखी है वो ऐड कर देंगे। पालक यहाँ पे हमारी ठंडी हो चुकी है, इसको
हम ग्राइंड कर लेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे ना मसाले ऐड कर लेती हूँ, जिसकी हल्दी धनिया मिर्च वगैरह। यहाँ पर ना देखो मैंने एक बैग बाय करा हुआ है जो कि हेजोक की वेबसाइट से, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये। और आपको पता है कि मैं कोई भी न्यू चीज लेती हूँ तो आपको सब जरूर शेयर करती हूँ। तो आप देखो कितना ज्यादा क्लासी सा है ना, कितना अच्छा लग रहा है। सो इस टाइप का कोई भी बैग मेरे पास में नहीं था और मैं बैग्स वगैरह ज्यादा यूज नहीं करती, बट अभी मुझे अच्छा लगता है कि आप स्टाइल के बैग ले सकते हो। और इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए काफी सारा इसमें स्पेस आपको मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें ना एक ये बेल्ट भी है जिसको आप दो तरीके से कैरी कर सकते हो, इसमें लगा के और इसको थोड़ा सा आप लॉन्ग कर सकते हो। और बाकी मुझे अगर मैं बात करूँ तो मुझे कुछ इस टाइप से ही कैरी कर सकूँ तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सारे आउटफिट्स के साथ में आपके ये जाएगा एंड इसमें बहुत प्यारे प्यारे कलर्स के पास। मुझे इसका ये ब्लैक और ब्राउन का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे कोई कलर वाला कलरफुल टाइप का नहीं चाहिए तो इस वजह से मैंने इसको बाय करा और बहुत ज्यादा क्लासी लग रहा है ना। इसमें ना यहाँ पे ये देखो छोटी छोटी सी पॉकेट्स भी दी गई हैं और स्पेस बहुत सारा स्पेस है। छोटे छोटे जो आपका मेकअप वगैरह है, कुछ सामान वगैरह है, वो आप इसमें रख सकते हैं। तो ट्रैवल वगैरह में भी जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, मॉल जा रहे हो शॉपिंग, ये तो आप ले जा सकते हो। इसका मटेरियल ना बहुत ज्यादा अच्छा है, क्रुएल्टी फ्री है ये, तो मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और बाकी आप इसको जूम की वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं ना जो कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग कमेंट्स करेंगे, मुझे पता है कि मैं कुछ भी पहनूं, कुछ भी नया बाय करती हूँ तो लोग बोलते हैं शिवी दी प्लीज उसका लिंक दे दो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग भी बाय कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे इसके कलर्स हैं इसकी वेबसाइट में। तो यहाँ पर मेरी प्लेट रेडी है, पालक पनीर और कर्ड, चपाती और थोड़ा सा सैलेड। कुकम्बर नहीं था, उस वजह से मैंने ऐड नहीं करा, नहीं तो मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। मैंने कहा पहले मैं बना लेती हूँ खाना, सबको दे दी तो उसके बाद में मैं खाऊंगी। क्योंकि फिर बनाते बनाते आपका मन नहीं करता खाने का, और माँ ने और उन्होंने खाना खा लिया है। पापा भी घर पर आए नहीं एक्चुअली। आज फैक्ट्री में एक फंक्शन था, मतलब करना था एक फंक्शन, बट वो कैंसिल हो गया। आई थिंक कोई दंगे फसाद हो रहे हैं। अब क्यों हो रहे हैं मुझे नहीं पता, गोले के मंडी साइड हो रहे हैं, सिटी सेंटर में हो रहे हैं, तो ग्वालियर में कुछ ऐसे दंगे फसाद हो रहे हैं उस वजह से। अच्छा बनाया उन्होंने बोला कि टेस्टी बनाया पालक पनीर। दोपहर के 2 बज चुके हैं। तो लंच करने के बाद ना मैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज करती रहती हूँ, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, जैसे कि मैं थोड़ा सा वॉक करती रहूँ, कुछ ना कुछ काम करती रहूँ, जो मैंने खाना खाया हुआ है वो डाइजेस्ट हो जाए। कोई खाना खा के बैठना नहीं होता है बिल्कुल, नॉर्मली भी ना खाना खा कर बैठना चाहिए तो मेरी भी आदत नहीं है, तो कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। तो यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह रखे हुए थे, मैंने सोचा मैं वही फोल्ड करके रख देती हूँ। और आज बाहर का जो मौसम है बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, मेरा मन था कि बाहर जाते घूमने के लिए, बट दंगे फसाद हो रहे हैं पता नहीं क्यों। आई थिंक पुलिस वालों की वजह से, जो पुलिस में नई जॉब्स वगैरह आई हैं उसकी वजह से, तो कुछ ऐसा चल रहा है बाहर, जिस वजह से अभी हम नहीं जा सकते। और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ये, तो कहीं उसका मैं लाइट चला देती हूँ, कभी कभार इसकी लाइट चला देती हूँ, वैसे इसको ऑफ ही रखती हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है कोई। और ये मैंने सूट ट्राई कर रही थी कैसा है, सूट बहुत ज़्यादा अच्छा है तो मैं एक दिन उसको ज़रूर पहनूंगी। ये तो मेरे सारे सूट जो है ना सारे टाइट टूट जा रहे हैं। और आज देखो मैंने ये जो पहनी हुई है ना येलो टी शर्ट, ये भी मेरे को मतलब फिटेड एकदम हो गई है, लूज लूज सी थी पहले, तो मैं मोटी होती जा रही हूँ दिन पर दिन, वेट गेन करती जा रही हूँ। और ये मेरा 5 मंथ प्रेगनेंसी का लास्ट ब्लॉग है, क्योंकि अब मेरा 6 मंथ लगने वाला है, तो वो भी मैं आप सबसे बहुत जल्द शेयर करूंगी। बाकी आप लोग ने इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो नहीं करा है तो कर सकते हैं शिवी लाइफस्टाइल के नेम से, वहाँ पे मैं बहुत अच्छे से है ना रील्स वगैरह पोस्ट कर रही हूँ।
तो आप लोग देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बाकी आप लोग इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स हम पढ़ते हैं ना, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो अभी शाम के 4 बज गए हैं, तो मैं जा रही हूँ कोकोनट वाटर लेने के लिए। पहले इसको ओपन कर लेती हूँ, ग्लास में डाल के लूंगी। बाहर मंदिर में आरती हो रही है और यहाँ पे मैं कोकोनट ले ली हूँ। शाम के 4 बजे के आसपास मैं कभी कभी कोकोनट ले लेती हूँ, कभी कभी मॉर्निंग में भी ले लेती हूँ। तो वैसे मैं मॉर्निंग में इसलिए अवॉइड करी हूँ कि मैं सुबह ना शहद पानी लेती हूँ सुबह सुबह उठने के बाद में। तो उस वजह से मैं सोचती हूँ शाम को 4 बजे के आसपास मैं ले लूँ। और मैं जूस स्टार्ट करा था, बट मैं जूस उस टाइम बंद कर रही हूँ क्योंकि अभी ना अनार वगैरह का सीजन नहीं है और खट्टे अनार आ रहे हैं। उसकी वजह से मैं बीमार हो गई थी। मैं पाइनएप्पल और मौसमी का जो जूस पी के ना बीमार हो गई थी, बीच में मुझे फीवर भी आ गया था। तो वैसे मैंने कुछ दिनों के लिए अवॉइड कर दिया जूस। अब जैसे ही सीजन आ जाएगा तो फिर मैं फिर से स्टार्ट कर दूंगी। आज दिन में टाइम नहीं मिला मुझे मॉइस्चराइजर अप्लाई करने का और यहाँ पे देखो कितना सारा मॉइस्चराइजर लग जाता है। यहाँ पर ये बात करें किसी से फोन पे। डिनर पे मैं यहाँ पे खाने जा रही हूँ आलू पनीर प्याज के पराठे विद चटनी और अचार। डिनर में रूम में बैठे कर रही हूँ, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मा गर्म आलू के पराठे, पनीर के पराठे आप मिक्स करके ऐसे खा सकते हैं। इसे पनीर मिक्स है, अनियन मिक्स है, सारी चीज़ें विद चटनी। पैडो क्या कर रही हो? पैडो ने खाना खा लिया। हाँ पैडो, तो मैं आई हूँ नीचे वॉक करने के लिए ग्राउंड में अपने, और यहाँ पे प्राडो भी वॉक कर रहा है। एक्चुअली मेरी फ्रेंड है ना नेहा, तो वो आई हुई थी यहाँ पे, तो मैं और वो वॉक कर रहे थे धीरे धीरे करके। ये ऑलरेडी 1 घंटे से वॉक कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं आप बहुत स्लो स्लो चलते हो। एक्चुअली उसको वॉक करने की आदत नहीं, पर इनके चक्कर में मैं रोज एकदम जल्दी 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 वॉक करती हूँ। आ जाओ जल्दी से। डिनर करने के बाद में ना मैं रोज ही आ जाती हूँ यहाँ पे वॉक करने के लिए। अभी नाइट का टाइम हो गया है, माँ भी वॉक कर रही थी, फिर माँ चली गई। मैं और ये रोज मतलब आई थिंक 40 to 45 मिनट्स वॉक करते ही करते हैं। जल्दी से आ जाओ ऊपर चले। आज पाड़ो ने बहुत देर तक वॉक करी हमारे साथ में, एकदम 1 आवर हो गया हम लोग जब से नीचे हैं। चलो चले, चलो 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 आगे चलो, भैया के पास जाओ। तो वॉक करके आ गए हैं रूम में, बहुत ज़्यादा थक गई मैं, पैर में दर्द भी होने लगा, काफ़ी देर से वॉक कर रहे थे। और मैं पी लेती हूँ पानी। आप टैबलेट लेने लगे तो मुझे भी याद है कि मैंने भी टैबलेट नहीं ली थी, तो मैं ले लेती हूँ आयरन की। मैं शाम को लेनी थी, भूल गई पर मैं। तो अभी रात के 11:30 बज चुके हैं और इस व्लॉग को यहीं पर मैं एंड कर देती हूँ। आई होप आपको ये आज का दिन पूरा हमारा पसंद आया होगा। और वैसे हर चीज़ हम व्लॉग में इंक्लूड नहीं कर पाते हैं क्योंकि व्लॉग तो देखो 10-15 मिनट का होता है, और भी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जितना पॉसिबल होता है उतना आप सब में शेयर कर देते हैं। तो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार आ रहे हैं तो। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे वाले ब्लॉग में। अच्छी आगे आने वाली जर्नी जो है वो आप लोग देखना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहिए। तो गुड नाइट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।